मुसलमान भाई मुसलमान भाई मुसलमान भाई जल्दी से उठ जा, अम्मा कैटल फॉर्म जाना हमें देर हो रही है क्या अम्मा कैटल फॉर्म अम्मा कैटल फॉर्म जाना है अम्मा कैटल फॉर्म पे थोड़ी देर होती है यार क्या हो गया दो मिनट में पहुंच जाएंगे कैसे फार्म? पहुंचेंगे दो मिनट में अभी आपको पहुंचा के दिखाते हैं सिर्फ दो मिनट के अंदर मैं अम्मा कैटल फार्म लेके जाऊंगा दो मिनट में वो देखने दो मिनट ये हैं? देखो ये एक और ये दो, दो मिनट के अंदर अंदर अम्मा कैटल फॉर्म आपके सामने हाजिर है दो दो शौकीनों दो 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 का घर कहने के लिए नहीं वाक ये शौकीनों का घर है ये देख सकते हो भाई तो यहाँ पे जो है ना भाई क्या कुछ मौजूद है अब सारा चल के देखते हैं जानवरों का भी व्लॉग स्टार्ट करते हैं तो शौकीनों तैयार हो जाओ वेट ओवर हो चुका है जल्दी से अब जो है ना स्टार्ट करते हैं बसमर अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे तो दोस्तों ये तो एक छोटा सा हमने तफरी वगैरह करी थोड़ा सा व्लाग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ अम्मा कैटल फॉर्म पे और अम्मा कैटल फॉर्म को मैं छोटे से स्लोगन में अगर डिफ़ाइन करना चाहूँ तो ये कहूँगा कि शौकीनों का घर है वाक़ता ये जो अभी आप आ, मेरे साथ एक हट नुमा कमरे वगैरह देख रहे हैं ये बेहतरीन यहीं पर ही हमने वो अभी अपना इंडोर जो शूट किया वो यहीं पर ही किया है किचन भी बना हुआ है सब कुछ बना हुआ है खैर ज़्यादा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आज बात नहीं करूँगा जानवर कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा दिखा दूँ वैसे अभी मगरब होने वाली है और मानी भाई भी आए हुए हैं मानी भाई का भी अभी शूट चल रहा है ब्लॉग चल रहा है उस साइड पर मानी भाई का ब्लॉग हो जाए शूट देन मैं स्टार्ट करूंगा हो सकता है हो जाए के बाद फिर मैं इनशाला आपको जानवर दिखाना शुरू करूंगा। अब मैंने और मानी भाई ने यह प्लान आउट किया है कि मानी भाई जो है वो अलग जानवर दिखाएंगे मैं अलग जानवर दिखाऊंगा ताकि दोनों के चैनल्स पे दोनों की वीडियोस में आपको अलग अलग कंटेंट देखने को मिले आप लोग को बोरियत नहीं हो कि सेम जानवर जो है वो मानी भाई के चैनल पर सेम मेरे चैनल के ऊपर खैर आज की वीडियो में मैं जो मैंने सिलेक्टेड जानवर निकाले हैं वो तकरीबन चार मैंने बछड़े निकाले हैं और दो आउट क्लास बछियाएँ निकाली हैं बाकी जहाँ तक बात है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ये आप देख सकते हैं ये जो झूले वगैरह लगे हुए ये पीछे यहाँ पे इधर स्विमिंग पूल है फैमिली के लिए वो इन्होंने मस्जिद एक बाकायदा मस्जिद बनाई है जहाँ पे पांच वक्त नमाज होती है तो इतना ज़्यादा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं इसके अलावा एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो ये है कि ना सिर्फ ये कि लोगों के लिए इसको फ्रेंडली बनाया है लेकिन जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंफर्टेबल है आपको अगर मैं यहाँ से दिखा सकूँ ये जो इनके शेड्स हैं उनकी ऊँचाई देखें आप के कितने ऊंचे ऊंचे जो है वो यहाँ पे माशाल्लाह से शेड्स इन्होंने बनाए हुए इसके अलावा जो है हर शेड के अंदर हर खाते के अंदर जो है ना वो इन्होंने कैमरा सिस्टम लगाया हुआ है उसका फायदा ये है एक तो अंदर यहाँ कमरे में भी एल है वहां से मॉनिटर करते रहते हैं उसके अलावा घर में बैठ के मोबाइल की ऐप के थ्रू भी मॉनिटर करते रहते हैं एक एक चीज को तो उससे बेनिफिट ये होता है कि वर्कर जो है वो ट्वेंटी फोर सेवन उनको पता है कि हमें ओनर देख रहा है तो वो काम प्रॉपर कर रहे होते हैं वंडर टाइम पे डला है नहीं डला ये सारी चीज़ें जो है वो इनको पता चल रही होती हैं खैर बहुत ज़्यादा बातें हो गई तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको जानवर दिखाते हैं चलिए जी चले जी फाइनली जो है वो आपको ब्यूटीज़ दिखाना शुरू कर रहा हूँ मैं अम्मा कैटल फॉर्म की और सबसे पहले ही जो है ना मैंने ऐसा धांसू बछड़ा निकाला है माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद बचा से बचाए सबसे पहली रिक्वेस्ट आप तमाम दोस्तों से ये रहेगी कि भाई माशाल्लाह बोलना लाजमी है आप लोगों ने भले आप कमेंट करो नहीं करो आपकी मर्ज़ी लेकिन बोलना लाजमी है माशाल्लाह सुभान अल्लाह भाई तो पहला बछड़ा है भाई टाइगर प्रिंट के अंदर अच्छा अभी मैं थोड़ा सा आपको ना इसका वाइड होके इसकी पूरी एक बॉडी स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाता हूँ ये देखिए जी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आप इसका देखिए अब आप लोगों ने जो है ना अच्छा साथ के साथ आपको वेट भी बता देता हूँ आपने आइडिया लगाना है गैस करना है कि ये अभी इसकी एज होगी क्या वेट इसका अच्छा अम्मा कैटल फॉर्म के ऊपर जो है ना आपको बताता चलूं कि वेट स्केल भी है तो इसका अभी जो रीसेंट लास्ट टाइम इन्होंने वेट किया है वो तेरह मन है लाइव वेट ठीक है तो उस हिसाब से आप इसका आइडिया लगाएं कि इसकी एज क्या होगी और क्लिप के एंड में इनशाला मैं आपको इसकी एग्जैक्ट एज भी रिवील करूँगा माशाला ज़रा करीब से देखें इसकी गर्दन कितनी चौड़ी गर्दन है माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद बच से बचाए भाई माशाल्लाह माशा अल्लाह थोड़ा मैं उस तरफ से अब 360 में दिखाता हूँ आपको माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन वाह भाई वाह अल्लाह पाक नजर वस से बचाए अच्छा जी अब एक मरतबा फिर दोबारा बछड़ा आपको दिखा रहा हूँ वाइड करके और अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एज अभी तक दो दांत नहीं हुआ है ये इस साल बकर ने चाह तो ये दो दांत हो जाएगा अभी पक्का खीरा है ज़्यादा टाइम नहीं देते जल्दी से अगला बछड़ा लेकर आते हैं अच्छा जी नेक्स्ट जो बछड़ा मैंने निकलवाया है ना उसका नाम पहले आपको बताता चलूँ विक्की भाई ने तो तूफ़ान रखा है लेकिन मुझे ये बछड़ा ना मेरे भोले बछड़े की याद दिलाता है क्योंकि इसका प्रिंट प्रिंट के अलावा जब मैंने इसका फ़ोटो शूट किया था ना तो यकीन करें सबसे ज़्यादा जो भोला शरीफ बछड़ाना ना वो यही था इसने 10 से 15 मिनट में अपना फोटो शूट करा लिया इतना शरीफ इतना मासूम इतना प्यारा और अगर इसकी हम प्रिंट की बात करें तो वो तो क्या ही कहने वो इसके हुसन में जमाल में जो है ना वो चार चांद लगा रहा है इसका प्रिंट देखिए सामने आँखों के ऊपर आ रहा है चश्मा ठीक है ये चश्मे की तरह आंखों का ये आ, कवा, वो हो दिखा भी रहा है माशाल्लाह माशा माशाल्ला। अपने हुसुन के जलवे भी हमें दिखा रहा है माशा और बाकी जो है ना वो अबलग प्रिंट के अंदर है ब्राउन कलर के अंदर ब्राउन एंड वाइट बहुत बेहतरीन जोड़ देखें कितने मज़बूत जोड़ों में है माशाल्लाह और इधर पीछे से मुबीन अगर आप इसकी कमर दिखा सको आप जरा पीछे से इसकी कमर दिखाओ माशाल्लाह कितनी चौड़ाई है कमर में ये देखें रस्सी छोड़ दी है बंदे ने और कितने तमीज़ से जो है ना वो खड़ा हुआ है मट्टी चाट रहा है खेल रहा है ये सारी चीज़ें हैं बाकी नाफ़ा झालर कलर प्रिंट मुंह की मासूमियत ईच एंड एवरी जिसको कहते हैं ना आप फुल ब्यूटी पैकेज वो आपके सामने है अल्लाह पाक नजर बद बच से बचाए वंस अगेन बोलूँगा माशा लाला सुबहान दिल से बोल दिएगा एक मरतबा ठीक है बाकी मैं आपको एक सजेशन लाजमी दूँगा कि आप जो है वो फ़िज़िकली विज़िट करें अम्मा कैटल फॉर्म पे तो बहुत इजीली जो है ना वो आपको आइडिया हो जाएगा जानवर के वजूद का अच्छा जी नेक्स्ट बछड़ा हाजिर है और ये जो है ना हमारे सनी भाई का पसंदीदा तरीन बछड़ा है और इसका नाम जो है ना वो कैस्पर रखा गया है कैस्पर याद रखिएगा नाम एक तो चोलिस सानी बछड़ा भाई माशा अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए देखें एक पाँव पे इसके मोज़ा है और बाकी अबलग प्रिंट ब्लैक एंड वाइट मैं करीब इसलिए नहीं जा रहा ज़्यादा आपको करीब से दिखा नहीं पा पाऊँगा ये क्योंकि थोड़ा सा ना ये बछड़ा वो नाराज़ नाराज़ चल रहा है इस वक्त इसको ना हमने बहुत ज़्यादा ही भगा दौड़ा दिया है इस वजह से थोड़ा सा ये हमें इजाज़त नहीं दे रहा वरना अगर मैं आपको करीब से इसके जो शाइन है ना चमक जो है इसके ऊपर वो अगर मैं दिखा सकता भाई माशाल्लाह वैसे दूर से भी नज़र ही आ रही है क्या बात है क्या ही बात है अच्छा एक चीज़ जो मुझे इस बछड़े की पसंद आई ना वो ये चीज़ कि ये हर तरफ से गोल मटोल है गोल मटोल हर तरफ़ यानी गर्दन देख लें यानी कि कोहान देख लें नीचे पाँव देख लें बैग देख लें मैं आपको थ्री सिक्सटी पर ज़रा इसकी बैग दिखाता हूँ वो देख लें गोल गप्पा कह लें सो या फुटबॉल कह लें माशाला हर तरफ़ से जो है ना वो गोल ही गोल है गोल मटोल है बहुत ही बेहतरीन अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए अब देखें भाई ज़रा इसकी गर्दन के ऊपर गौर करें कितनी चौड़ी माशा से गर्दन है अल्लाह पाक ने जो है ना भरपूर हुसन से नवाजा है ज़्यादा इनका टाइम नहीं लेंगे हम इनको लेके जाइए और अगला जानवर लेकर आइए आपको दिखाया मैंने एक बछड़ा अपनी पसंद का एक बछड़ा सनी भाई की पसंद का कोई बछड़ा यहाँ पे विकी भाई की पसंद का आखिरी बछड़ा जो मैंने निकाला है ना उसको मैं समझता हूँ कि ये अम्मा कैटल फॉर्म की जान है जान ठीक है तो ये अम्मा कैटल फॉर्म की जान और अम्मा कैटल फॉर्म की शान आपके सामने हाजिर है और ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसका भी मैं डिफ़ाइन भी करता हूँ भाई माशा दी बीस दी बेस्ट पहले वो पीछे देख लें आप स्लोगन और अब इधर देख लें भाई माशाल्लाह सुल्हान अल्लाह और इसका मैं वेट भी नहीं बताने वाला क्योंकि मैं सिर्फ आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा ये जो है ना आपने वेट इसका गैस करना है अल्लाह ने चाहे तो आगे अगले व्लॉग में इसका वेट मैं रिवील कर दूंगा या इसकी फोटोग्राफी भी जो आ रही होगी ना उसमें इंशाल्लाह कहीं ना कहीं मैं इसका वेट रिवील कर दूंगा ज़रा चेक करें भाई माशाल्लाह क्या जॉय बछड़ा है भाई ये मैंने इस्पेली जो है ना वो रिक्वेस्ट पर निकलवाया था हालांकि ये अभी जो है ना वो रिवील करना नहीं था बछड़ा क्योंकि अभी भी जो है ना ये ज़ाहरी बात है तैयार हो रहा है सीज़न में सोचा था ग्रैंड ओपनिंग के अंदर इसको दिखाएंगे लेकिन मैंने बोला विक्की भाई मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वो अम्मा कैटल फॉर्म के जानवरों का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं तो काइंडली एक चीज़ तो जो है ना मैं प्रीमियम आपकी ऐसी निकाल के दिखाऊँगा कि भाई लोगों की नाराज़गी दूर हो जाए और वो जो है ना सारे खुश हो जाएँ अल्लाह पाक नजर बद से बचाए क्या चीज़ है भाई माशा सुबहान अल्लाह क्या ही बात है इधर देखो जी वजूद देखो इसकी लाम देखो लेंथ अगर मैं आपको दिखाऊं दिस इज़ कॉल्ड लाम ठीक है ये जो इसकी लंबाई है और ये जो नाफे से लेके ऊपर कमर तक की जो इसकी एक लंबाई है इसको बेल बोलते हैं लाम में बछड़ा पूरा बेल में बछड़ा पूरा वंस अगेन ये मेल का बच्चा है लेकिन उसके बावजूद इसका आप नाफा जालर देख लें भाई थोड़ा सा अगर ये मुझे करीब आने दें और साहब थोड़ी देर आप ज़रा खड़े रहें और अपना ज़रा सीना तो दिखा दें भाई माशा माशा ज़रा सीना चेक करो बॉल चेक करो सीने के ऊपर माशा माशा और ये ज़रा स्वैग चेक करो और ये साहब का ओह हो क्या ही बात है भाई क्या ही बात है अब जो है ना हम चलते हैं बच्चियों की तरफ ताकि बछिया लवर्स नाराज़ नहीं हो जाएँ दो बछियाएँ अभी मैंने निकलवाई हैं वैसे तो बहुत सारा कलेक्शन है आहिस्ता आहिस्ता इनशाला दिखाते रहेंगे लेकिन दो मैंने अपनी पसंद से निकलवाई हैं तो वो इनशाला आपको मैं दिखाता हूँ अच्छा जी बछियाओं में जो मैंने पहली बछिया निकलवाई है ना वो फहाद भाई ने बचपन से पाली है ये बछिया भाई और अभी भी वैसे ये बच्ची ही है बचपन ही चल रहा है इसका दो दांत मेरे ख्याल से नहीं हुई है अभी ऐसे ही है ना जावेद दो दांत तो नहीं हुई है इस साल तो हो जाएगी ना इन दो दांत भाई इस साल दो दांत हो जाएगी एक चीज़ जो इसका ब्यूटी पॉइंट है ना वो शायद ही आप लोग नोट कर पाएँ इसलिए मैं गैस करने को भी नहीं बोलता आपको मैं खुद ही बता देता हूँ वो बहुत कम जानवरों में देखने को मिलता है एंड दैट इज़ इसकी ये जो गर्दन ये देखें मेरा एक बालिश देख लें ज़रा पता नहीं मुबीन दूर खड़ा है दिखा सके या ना दिखा सके और ये ज़रा देखें ये पूरी एक बालिश की जो है ना इसकी ये गर्दन है इससे क्या फ़ायदा होगा इससे फ़ायदा ये है कि अगर इसको एक साल और रोक लिया जाता है ना तो ये ए, इस तरीके की इसकी जो है ना वो गर्दन हो जाएगी बच्चियाओं में आ, गर्दन पर, बनाना डेट्स बड़ा इजी टास्क ठीक है और फिर ये एक ब्यूटी में भी उसके एक एलिमेंट जो है ना वो क्रिएट कर देता है वो किस तरीके से कि ये जब भी चलेगी ना आप इसको देखिएगा गर्दन उठा के चलेगी झुका के और ये इस तरह की लेजी जो वॉक है ना वो नहीं करेगी इसका ही जो है ना वो इस तरीके से अल्लाह पाक ने इसको दिया है और चौड़ा बॉडी स्ट्रक्चर ये कमर भी आई गेस वहाँ से शायद ना दिख रही हो लेकिन चौड़ा बॉडी स्ट्रक्चर है पीछे कमर भी बहुत चौड़ी है फ्यूचर के लिए अगर कोई इसको पालना चाहता है तो पाल सकता है क्योंकि अभी दो रात भी नहीं हुई एक साल भी इसको रोक सकते हैं तब जाके शायद इसका हक़ हाँ अदा हो जाए लेकिन अगर कुर्बानी इसके नसीब में तो वो तो सबसे बेहतर बात है अल्लाह पाक जिसके भी नसीब में हो उसकी कुर्बानी कबूल फरमाए बहुत ही बेहतरीन भाई माशाल्लाह अच्छा जी लास्ट बट नॉट लीस्ट भोली बछिया हाजिर है लेकिन बछिया दिखाने से पहले एक चीज़ आपको बताऊंगा और आप लोगों से पूछना चाहूंगा बल्कि मैं कि आज जो है हमने डे से अपना व्लॉग स्टार्ट किया और हम रात तक नाइट तक पहुंच गए और uh, रात में बेसिकली मैंने रिक्वेस्ट की थी विकी भाई से कि कुछ नया करने की कोशिश करते हैं देखते हैं ऑडियंस को नाइट uh, शूट जो है और रात का व्लॉग वो कैसा लगता है ये चीज़ आपने लाजमी मुझे बतानी है कि आप लोग को नाइट uh, का व्लॉग कैसा लगा बहुत एक क्योंकि अभी तो खैर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन आगे जाके कस्टमर्स के लिए भी जो है ना वो रात का विज़िट एक आसान रहता है तो माशा प्रॉपर लाइटिंग है ईच एंड एवरी प्रॉपर है तो बहुत एक अच्छा एक यानी कि वो है माहौल है रमज़ान में खासकर आप रात में भी आई गेस विजिट कर सकते हो चले जी अब हम आते हैं बछिया की तरफ माशा अल्लाह क्या ही कहने ये देखें जी माशाला माशा क्या ही कहना है माशा माशा इसका जो एक आ, कलर है ना वो मैं समझता हूँ जो पैप्सी का कलर होता है ना वो कलर इसका कलर सही तरीके से डिफाइन करेगा आपको आइडिया होगा माशाल्लाह इसमें ब्लैक शाइन भी है इसमें ब्राउन शाइन भी है और इसमें कॉपर वाला जो एक कलर होता है ना ये देखें जरा सीने पे कॉपर वाली शाइन भी है माशाल्लाह यूनिक कलर है यूनिक प्रिंट है माशाल्लाह और जो वजूद है वो तो भरपूर है भरपूर चलें जी भोली साहिबा जो है ना वो ज़रा भाग गई थी दोबारा आप हजरात के लिए मैंने मंगवाई है क्या पोज़ दे रही है ज़रा पोज तो चेक करें माशाल्लाह और झालर की लेयर्स चेक करें एक के बाद एक तय बा तय लेयर्स जो है ना वो ये चीज़ भी बहुत जो है ना वो जब देखने को जिस जानवर में मिलती है दिल खुश हो जाता है हाँ भाई ज़रा दिखाओ ज़रा इसका हुसन चेक कराओ जावेद ओह क्या वाकई में भाई बोली है माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है अल्लाह पाक नजर बद से बचाए मेरे ख़्याल से ये बछिया अपनी जो अपना वजूद है ना और अपना जो हुसन है वो खुद ही डिफाइन कर रही है शाइन चेक कर रहे हैं आप ज़रा आप शाइन चेक कर रहे हैं माशाल्लाह रात के टाइम पर भी क्या शाइन का चमक दे रही है माशाल्लाह अल्लाह अल्ला पाक नजर नजरबदस से बचाए और वंस अगेन जो इसका एक कलर प्रिंट है ना वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई इसमें कॉपर वाली चमक भी है और वंस अगेन माथे के ऊपर छोटा सा टिप्पा वाइट कलर का वो भी इसके हुसन में चार चांद लगा रहा है और जावेद को ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा इससे आज प्यार हो गया भाई माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है जावेद ये थी लास्ट बच्ची है ब्लाग आई गेस थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन जानवर माशाल्लाह इतने प्यारे हैं इतने खूबसूरत हैं दिल ही नहीं चाह रहा तारीफ़ कर करके दिल भर नहीं रहा है भाई माशा तो आज का व्लाग यहीं पर ही एंड करते हैं इन रमज़ान में या उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर कुछ मजदीद ब्यूटीज़ के साथ हाजिर होंगे वीडियो अगर पसंद आई हो तो काइंडली लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा मज़दी वीडियोज़ के लिए कटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू सो मच वालेकुम